हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपके स्टडी को और इजी और अच्छा बनाने के लिए ही हम लेकर आए हैं 1 जून से आपका लाइव क्लासेस बैच। बहुत सारे बच्चे नए जो रोजाना नए हमारे चैनल पे आ रहे हैं उनको नहीं मालूम है, पुराने बच्चों को मालूम है, तो मैं फिर से अपडेट आपको कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 जून 2022 से आपका लाइव क्लास शुरू होने जा रहा है और इसी के रिगार्डिंग आज का इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज इस वीडियो देखने के बाद जो है पुराने नए सारे बच्चों के बीच में, हमारे बीच और आपके बीच में एक जो रिलेशन हमारा वो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मैंने डेडलाइन दिया था कि मई तक, यानी कि आज 30 मई है और कल 31 मई है, लगभग 2 दिन का टाइम आपके पास है, 1.5-2 दिन का टाइम है। अगर आप 31 मई तक, इस मंथ तक अपना बुकिंग करवाते हैं या एडमिशन लेते हैं इस लाइव क्लास में, तो आपको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट में क्या था? तो डिस्काउंट में ये था कि जैसे आप फिजिक्स, कोई एक सिंगल सब्जेक्ट 12th का पढ़ना चाहता है, फिजिक्स पढ़ना चाहता है, तो उसकी जो फी रखी गई है वो रखी गई है 749। लेकिन अगर मई में अभी कोई, अगर मई में कोई एडमिशन लेता है तो उसे केवल 700 यानी 699 ही उसको देना है। उसी तरीके से केमिस्ट्री का जो फी है वो 749 है, लगभग 750 रुपये है। लेकिन अगर वो मई में एडमिशन लेता तो उसे केवल 699 ही पे करना होगा। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों साथ में लेते हैं तो आप देखिए 749 और 749 दोनों को आप अगर जोड़ेंगे तो कितना होता है, दोनों को जोड़ने पर हो जाते हैं आपके 1500 रुपये। लेकिन 1500 नहीं देना है आपको, अभी केवल और केवल 1300 रुपये देने हैं। और अगर मई के बाद आप लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बो पैक तो आपको है 1400 पड़ेगा। मैथ का 999 है जो कि शुरू से है। 10th वालों की अगर बात करें तो मैथ और SST का जो कॉम्बो पैक था वो था 1500 रुपये। लेकिन अगर वही कोई मई के बाद लेगा तो उसको देना कितना पड़ेगा, 1600 रुपये देना पड़ेगा। ये तो बात रही कि फी का डिस्काउंट ऑफर है। अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। जैसे कि आज के डेट में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, फ्रॉड मतलब ऐसे वैसे फ्रॉड नहीं हो रहे, आपसे पैसा ले लिया जाता है, आपको ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाता है, लेकिन आप पेंडिंग में चले जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ट्रेन में, आप किसी भी ट्रेन से जाते हैं तो साइड में आपको पेंडिंग में डाल देता है कि कोई और ट्रेन आएगा तो इसके लिए आप इंतजार कीजिए। वही कहानी आपके साथ होती है, रोजाना लाइव क्लास नहीं होता है, रिकॉर्डेड वीडियो थोड़ा बहुत दे दिया जाता है, यानी ओवरऑल देखा जाए आपके साथ पूरी तरह से फ्रॉड होता है, आपके डाउट्स या किसी बात का रिप्लाई भी आपको नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है, तो आप बिल्कुल नए हैं, अनजान हो सकते हैं, पुराने जितने बच्चे हैं वो मुझे वेल नोन जानते हैं। एक बहुत ही सक्सेसफुल बैच रहा है, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो उसका मैं लिंक दे दूंगा कि ये गलती वो मत करना, डोंट रिपीट माई मिस्टेक जो मैंने किया है। कि जब आप किसी भी नए एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपका उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आंख बंद करके मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल ये आपसे नहीं कह रहा हूं। आपको ये पूरा अधिकार बनता है कि आप इसकी जांच पड़ताल करें। अब जैसे अगर आप यहां पर बिल्कुल नए हैं, कोई सर कहते हैं सर हम बिल्कुल आपसे नए हैं, हम कैसे ट्रस्ट करें, कैसे विश्वास करें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा सबके साथ हो रहा है, हो सकता है आप उसके शिकार रहे हो या आपने सुना हो, या बिल्कुल अनजान पे आप भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। तो कैसे जांच पड़ताल की जाती है, आप हमारे चैनल पे जाइए, उसके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में क्या चेक करना है आपको, देखिए केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, फिजिक्स का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, मैथ का प्लेलिस्ट मिलेगा, इन्हीं तीनों में 100+ वीडियोज आपको मिल जाएगा। आप डेमो क्लास के प्लेलिस्ट में जाइए, आप 10th क्लास के हैं तो आप देखिए आपके लिए मैं हिंदी के वीडियोस लेके आ रहा हूं, उसके प्लेलिस्ट को देखिए। साइंस में मैंने 10th का हिंदी मीडियम अलग करवाया है, इंग्लिश मीडियम अलग करवाया है। तो जब 100, 150, 200 वीडियो चैनल पे, 250 वीडियो चैनल पे पड़े हैं, मैंने इसको सींचा अपनी मेहनत से। रात को 3-3, 4-4 बज जाते थे वीडियोज बनाते बनाते, और क्योंकि गर्मी भी होती थी तो पंखा बंद करके, अभी फैन मैंने बंद कर रखा है, AC में नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अब मुझे लगता है लगाना ही पड़ेगा, तो कुछ साइड इफेक्ट होता है हेल्थ को लेकर उस वजह से। लेकिन जो कहते हैं ना, एक छोटे से पौधों को सींचते, वैसे इस प्लेटफॉर्म को मैंने तैयार किया है। तिनका तिनका जोड़ते हैं ना तो एक घर बनता है, वैसे एक एक दिन का मेहनत मेरा लगा तब मैं आपके दिलों में आज जगह बना पाया हूं।
और आपके समक्ष ये बातें रख पा रहा हूं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में। सेकंड थिंग ये है कि अब आपको लगता है कि सर ट्रस्ट तो हो गया लेकिन आप कैसा पढ़ाते हैं या मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा ये कैसे पता चलेगा, तो मैं अगेन आपसे रिपीट करता हूं, आप प्लेलिस्ट पे जाइए और किसी भी वीडियोज को खोल के देखिए, सीरियल वाइज आप देखिए, सीक्वेंस में देखिए, डेमो क्लास के प्लेलिस्ट में जाइए, लास्ट जो बढ़िया सक्सेसफुल बैच रहा उसका दो डेमो क्लास मैंने उसमें डाला था, आई थिंक तीसरा इलेक्ट्रो स्टैटिक का भी डाला था, तो आप उसको देखिए, समझिए, पहले श्योर होइए, पहले बिलीव अपने आप अंदर लाइए कि क्या सच्चाई है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा खुद का दिल्ली एनसीआर में खुद का कोचिंग सेंटर चलता है और मैं सीबीएसई में डील करता हूं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से इतनी डिमांड आ रही थी एनआईयू स्टूडेंट्स की कि सर मेरी हेल्प कीजिए, सर हमारी हेल्प कीजिए, तो उसके बाद फिर मैं ये यूट्यूब चैनल लेकर आपके समक्ष आया हूं। और इसके बाद देखिए एक जर्नी वो भी था जब मैंने ऐसी वीडियो को अपलोड कर दिया था और मुझे लगा एनआईएस वाले पढ़ने वाले तो होते नहीं है, और मैंने 3-4 महीने छोड़ दिया था, लेकिन लगभग 2000 व्यूज पहुंचे थे उस वीडियो का, कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई सिस्टम ढंग का नहीं था, उसमें साफ से उतना दिख भी नहीं रहा है, इसके बावजूद इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट आए कि फिर मैं मजबूर हुआ और मैंने सही सिक्वेंस में काम किया। और उसी का रिजल्ट रहा कि अप्रैल सेशन जो 2022 वाला रहा, बच्चों के डिमांड पर मैंने ये लाइव क्लास बैच स्टार्ट किया। देखा जाए तो ऑफलाइन अच्छी खासी मेरी कमाई है और बहुत अच्छा मैं फी भी लेता हूं और बहुत बढ़िया कोचिंग सेंटर चल रहा है मेरा, लेकिन इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी इस बार मैंने 10th का 12th का तो किया ही था, 12th का भी और 10th दोनों ही बैचेज मैनेज कर रहा हूं केवल आपके लिए, क्योंकि मुझे मालूम है हिंदुस्तान में बहुत कम टीचर हैं जो एनआईएस पढ़ाते हैं, इसमें उनकी भी गलती मैं नहीं दूंगा, क्योंकि एनआईएस वाले वर्किंग होते हैं या कई बार ये सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, इन्हीं सारी वजह से आप डिसिप्लिन वे में पढ़ाई कर सके। तो जो ट्रस्ट वाली बात थी कि कैसे आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे, वो चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और देखिए अब हनुमान जी तो है नहीं सीना चीर के आपको दिखाएंगे, लेकिन आई थिंक अगर 100+ वीडियोज अगर आपके लेक्चर क्लासेस का है, टोटल 200-250 वीडियोज है, तो मुझे लगता है सेटिस्फेक्शन के लिए इट्स एनफ, काफी है इतना समझने के लिए कि मेरी पढ़ाई का स्टाइल क्या आपको समझ में आता है कि नहीं आता, या ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने वो फीडबैक वीडियो भी डाला जो पिछला बैच के बच्चों थे, उसमें 75+ स्टूडेंट्स थे फर्स्ट बैच में, देखिए उसमें जाइए आपको पता चलेगा मेरा कैसा व्यवहार रहा है, कैसे मैंने उनके साथ ट्रीट किया है। वो बच्चे झूठ थोड़ी बोलेंगे, बना के थोड़ी बोलेंगे, एक बोलेगा बना के, सारे थोड़े बना के बोलेंगे। तो अपने अंदर सबसे पहले विश्वास लाएं, और केवल आपके पास 2 दिन का टाइम बचा है, केवल 2 दिन का टाइम बचा है, डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाइए मैं यही कहूंगा। और प्लीज जो बच्चे भी मई के बाद आएंगे, आई एम सॉरी अगर आप रिक्वेस्ट भी करेंगे तो पुरानी फी पर अप्लीकेबल नहीं होगा, जो फी मतलब एग्जैक्ट ओरिजिनल है वही आपको देना पड़ेगा अगर आप मई के बाद आते हैं। तो अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसके बाद अगर फिर आप लेट करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स से मेरी बात करवा रहे हैं, और बहुत जरूरी है क्योंकि पेरेंट्स को भी मालूम होना चाहिए कि बच्चा कहां पढ़ रहा है, ऑनलाइन कौन सा सिस्टम है जो पढ़ाया जा रहा है, कौन सर हैं। आप अपने पेरेंट्स से भी मेरी बात करवा सकते हैं, पूरा का पूरा डेडिकेशन बच्चों आपके लिए है, बहुत मेहनत लगा है, बहुत मेहनत लगा यहां तक आने में, ये लगभग 1.5 साल का मेरा सफर है, इतना आसान नहीं था ये 1.5 साल का सफर जहां तक मैं पहुंचा हूं। आज की डेट में मतलब मई 2022 की डेट तक 1800+ सब्सक्राइबर्स हैं। आप ये कहिए कि लगभग 2500 लोग हैं जो हमसे कनेक्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। ऐसे लोगों से भी मैं विनती करूंगा कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें, आप लोग भी चेक कर लें बेल आइकन आपने क्लिक किया है कि नहीं किया है। और अगर आप 12th में हैं या 10th में हैं तो आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9643480201 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज डाल सकते हैं, आपको मैं लिंक दूंगा फ्री टेलीग्राम ग्रुप का। और जो आपका लाभ लेने का टाइम है 2 दिनों का, उसका लाभ लीजिए, आगे बढ़िए। और 1 मिनट में समराइज करता हूँ लाइव क्लासेस का, इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे रोजाना एवरीडे का, कभी आप मिस भी कर जाते हैं तब भी आप मेंटेन कर लेंगे। सेकेंड थिंग, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, यानी कि अगर आप फिजिक्स है केमिस्ट्री है अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पास कोई मटेरियल नहीं है,
तो भी बिना किसी मटेरियल के जो मैं मटेरियल दूंगा दैट विल एनफ। मुझे अच्छे से याद है कि 15 फरवरी 2022 को हमने लाइव क्लास सेशन स्टार्ट किया था अप्रैल 2022 सेशन वालों का। 1.5 महीने में मैंने पूरा फिजिक्स और पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट करवाया। 31 मार्च का वो टाइम था जिस दिन मैं रिलैक्स होके सबसे मतलब बढ़िया से मैंने कहा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक मैंने एक एक सेट रोज सॉल्व्ड फिजिक्स में VVI क्वेश्चंस करवाए थे और उनमें से 40% एग्जाम में आया था। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, केवल पढ़ाया ही नहीं जाएगा, आपको मोटिवेट भी किया जाएगा, आप पे कभी प्रेशर नहीं डाला जाएगा, आपको इस लायक बनाया जाएगा कि लगेगा कि वाकई में आप पढ़ रहे हैं। सेकेंड थिंग ये कि जो मैं पढ़ाता हूँ ये सोच के कभी नहीं पढ़ाता हूँ कि केवल आपको यही एग्जाम पास करना है। मैं ऐसा क्यों सोचा, मैं तो ये सोच के पढ़ाता हूँ और मैं वो नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ कि इसके बाद फर्दर अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या किसी कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं, इवन आप IAS IPS की भी तैयारी करते हैं, तो वहां भी ये कंटेंट अगर उसके सिलेबस में है तो आपको हेल्पफुल रहे और सिलेबस में रहता ही रहता ट्रेवल कर। ये तमाम चीजें जो है आप तक प्रोवाइड करवाई जा रही है और आप यकीन मानिए जब आप लाइव क्लास में ज्वाइन करेंगे तो आप मेरी मेहनत देखेंगे। ये जो फी में ले रहा हूं ना ये नाम मात्र का केवल और केवल एक गुरु दक्षिणा है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना मेरे कोचिंग में 1500 रुपये पर मंथ का फी है वन सब्जेक्ट का, 11th का, और 10th की मैं बात करूं 1200 रुपये 1200 तो मैं दो सब्जेक्ट का लेता हूँ। तो अगर मेरे यहाँ कोई 4-5 महीने पढ़ेगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो कितना उसको पे करना पड़ेगा, उसके बाद कोचिंग में आना भी पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन सारे मटेरियल आपको दिया जा रहा है, वन टाइम केवल फी देना है आपको। क्या कोई फी होती है इतनी अच्छी क्वालिटी और इतना बेहतरीन तरीके से आपको करवाया जा रहा है, फिर भी अगर आप किंतु परंतु करते हैं तो मुझे वो वाक्यांश याद आ रहा है, वो मेरा एक्सपीरियंस याद आ रहा है जो मैं आपके समक्ष लास्ट में भी शेयर करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए 15 फरवरी को जब मेरा बैच स्टार्ट हुआ था तो मैंने सारे बच्चों को बोला था कि भाई जिसको आना आ जाओ। मुझे याद है 20 बच्चों ने एडमिशन लिया था और मैं बड़ा ही डेडिकेटेड और प्रोफेशनल डिसिप्लिन टीचर हूँ। मेरे लिए 2 बच्चा हो, 5 बच्चा हो, 10 बच्चा हो या 50 बच्चा हो, हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं उसी पैशन के साथ उसी लगन के साथ पढ़ाता हूँ, कहानी के चुटकुलों के माध्यम से एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ। तो उस टाइम पे उन बच्चों ने इग्नोर कर दिया, मेरे पास चैट है पूरा, वो पूछ रहे थे सर क्या है नहीं है ट्रस्ट ये वो, वही सारी चीजें आपके मन में चल रही है। और पता क्या हुआ, 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ, कोई 15 मार्च को बैच ज्वाइन किया, किसी ने 20 मार्च को ज्वाइन किया, और ऐसा कोई हुआ कि ऐसे ऐसे लोगों ने 1 अप्रैल को ज्वाइन किया सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। तो मैं क्या करता, पूरा मैंने उनको जितना रिकॉर्डेड वीडियोस थे सारा दे दिया, कंटेंट उनको दे दिया, मैंने पैसा तो मैंने पूरा नहीं दिया। लेकिन आप मुझे बताइए 15 फरवरी को बैच स्टार्ट था, उनके पास एवरीथिंग था, पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन वो केवल इस मामले में कंफ्यूज रह गए कि ले या ना ले, ले या ना ले। तो टाइम भी गया उनका, पैसा भी गया, पैसा तो देना ही था उनको, और परफॉर्मेंस भी उनका घट गया। तो ये चीजें आपके साथ ना हो ये आपको समझना पड़ेगा। कहते हैं जब आधा जीवन बीत गया वनवासी सा रोते गाते, तब इस दुनिया में पता चला सोने के हिरन नहीं होते मृग मरीचिका के रूप में। जीवन में कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते रह जाते हैं, बड़ी अच्छी कविता है 10th क्लास में इसे जगाओ, मैं 10th का भी कर रहा हूँ, इतनी अच्छी कविता है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप देखिएगा उसको, मतलब इतना बढ़िया है। बस टाइम से काम करना है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये टाइम आपके हाथों से निकल गया तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, और एग्जाम के टाइम में केवल और केवल आपको मिलेगा डिप्रेशन। और इन सब के जिम्मेदार आप खुद होंगे, ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिलूंगा एक नए कंटेंट नई बातों के साथ में। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।